होली के दिन दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकराने के बाद कार गिरी गड्ढे में। चालक समेत बगल में बैठे दोनों युवकों की मौके पर हुई मौत। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रिगवा मोड़ पर बबूल के पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार चालक व उसके बगल में बैठे दो युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रयागराज के 12 थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिगवा मोड़ पर घटी, जहां 12 निवासी सौरभ पटेल अपने साथी गोविंद कुशवाहा के साथ लेकर के कार से जसरा बाजार की ओर जा रहा था कि अचानक रिगवा मोड़ के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होते हुए सड़क के बगल स्थित बबूल के पेड़ से जा टकराई, जिससे कार को चला रहे सौरभ पटेल व गोविंद कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए परिजनों को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची परिजनों के समक्ष मृतक युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं दुर्घटना के बाद पूरे 12 कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि होली के दिन ही दोनों घरों के इकलौते चिराग बुझ गए। मृतक युवकों के परिजनों का घटना के बाद से रो रो कर हुआ बुरा हाल।